हे गाइस, देखो सोलर स्टॉक, सोलर जो कि कंपनी सोलर से रिलेटेड काम करती है सर, यहाँ पर मतलब लाखों शेयर खरीदे गए हैं सर। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सर बहुत बड़ा माल खरीदा है, बहुत बड़ा माल खरीदा। तो मैंने सोचा कि ये सर अपडेट आपको दे दूँ आँख बंद करके सर। वो भी खरीदा गया मानते हैं, ठीक है, लेकिन सर सोलर सोलर से रिलेटेड उन्होंने स्टॉक खरीदा, इसलिए मैंने सोचा आपको अपडेट दे दूं। ये इस वजह से क्योंकि सर आजकल के डेट में अगर आप देखोगे तो लगभग सोलर सोलर से रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं यही सारी कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल के दे रही है सर, और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बड़ा पैसा पंप किया, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो जल्दी बता देता हूँ सर, टाइम ना बर्बाद करते हुए यहाँ देख सकते हो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सर खरीदा, लाखों शेयर खरीदे हैं सर। यहाँ पर 7,75,806 शेयर सर, है कि नहीं, बड़ा अमाउंट में खरीदा गया है सर। ठीक है, बताया जा रहा है दिस सोलर पावर जनरेशन कंपनी अनाउंस 3 मेगावाट एक्सपेंशन इन कर्नाटका। कंपनी ने बोला कि हम अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करेंगे सर, और बड़ा करेंगे। तो ये तो सर खबर अच्छी है, अपने आप में खबर अच्छी है सर। तो यहाँ पर इन्होंने सर फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये सर वो इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे इंडिया के अंदर रहते नहीं हैं भाई, ये बाहर रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको यही कंपनी अच्छा लगा सर। इसका मतलब साफ साफ है, इसका मतलब साफ है कि इनको जो है लग रहा है कि ये कंपनी फ्यूचर में काफ़ी बड़ा रिटर्न निकाल के दे सकती है सर। तो है बहुत छोटी कंपनी सर, जहाँ पर बताया जा रहा है इंक्रीजिंग कैपेसिटी टू 40 मेगावाट सर, अपना जो है कैपेसिटी ये 3 मेगावाट और बढ़ा रही है, जो 40 मेगावाट तक ये करने की कोशिश कर रही है सर। और ऐसा नहीं है कि और नहीं बढ़ाएगी, और अपने मेगावाट को बढ़ाते हुए नज़र आ जाएगी सर। तो ये है सर सोलर से रिलेटेड कंपनियाँ। अब जैसे कर्नाटका के अंदर बोलेंगे तो सर कर्नाटका के अंदर अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो जगह होते हैं ना सर वो पहाड़ी एरिया होते हैं, पहाड़ी एरिया होते हैं सर, एकदम पहाड़ी एरिया होते हैं। अब सर यहाँ से आना जाना तो होता नहीं है सर, यहाँ पर घर बना नहीं सकते सर। मतलब कहने का मतलब है सर, जो पॉपुलेशन रहते हैं ज़्यादा मेन पॉपुलेशन वो शहरों में रहते हैं सर या गांव में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में नहीं रहते हैं सर। तो ये जगह ऐसे ही खाली रहता है, तो इसमें गवर्नमेंट से परमिशन लेके यहाँ पर फ्री लैंड बैंक बहुत मिलता है। तो परमिशन लेकर आप अपना सोलर पैनल वगैरह लगा सकते हैं, ये पहाड़ियों के ऊपर भी लगाया जाता है, विंड टर्बाइन वगैरह ज़्यादातर पहाड़ियों के ऊपर लगाया जाता है, और लगभग सोलर वगैरह भी इस तरीके से लगा सकते हैं ना, कि इससे सरकार को भी कोई घाटा होता है और ना किसी को। हालांकि सर सरकार को फ़ायदा ही होता है, सरकार के पास जो ये लैंड बैंक पड़ा हुआ रहता है सर यूटिलाइज हो जाता है, और कंपनियों को सर कम पैसे में मिल जाता है सर। जैसे यही जगह अगर कहीं और लेते हैं तो भाई 100 रुपया लैंड का जगह जो पड़ेगा, यहां पर सरकार इसको जो है मान लीजिए कि 20 रुपये में ही दे देगी। तो इस तरीके से कंपनियों को भी फायदा होता है सर। यहां पर कंपनी का नाम मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, कंपनी का नाम है सर श्री केशव सीमेंट एंड इंफ्रा लिमिटेड। लोग बोलेंगे सर ये सीमेंट वाली कंपनी है, ये तो आपने बोला ये क्या बोलते हैं सर सोलर वाला। सर ये जो कंपनी है ना सर, ये सीमेंट के लिए भी काम करती है और इंफ्रा के लिए काम करती है, तो इंफ्रा में सर ये कंपनी सोलर के लिए भी आ जाता है, ऐसा है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी के सीमेंट के लिए काम करती है, सीमेंट के साथ साथ सोलर के लिए भी काम करती होगी सर कंपनी, देख लीजिए। तो ये जो कंपनी बताया जा रहा है काफ़ी पुरानी कंपनी है सर, 1993 से सर ये कंपनी काम करते हुए नज़र आ रही है। जहाँ पर बताया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग इन सीमेंट, ठीक है, बताया जा रहा है सर, यहाँ देख सकते हो ट्रेडिंग इन कोल जो भी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपको बताया जा रहा है, बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी। तो सर ये कंपनी सोलर के लिए भी काम करती है सर, ठीक है, सोलर से रिलेटेड भी सर ये कंपनी काम करती है। जहाँ पर बोला जा रहा है ये जो कंपनी का शॉर्ट फॉर्म बोला जा रहा है कि भाई ये जो मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट एंड द सोलर पावर जनरेशन बताया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन इन कर्नाटका सर, इट सप्लाई यहाँ पर बताया जा रहा है सीमेंट इन द, यहाँ देख सकते हो नॉर्थ कर्नाटका, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। गोवा एंड सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, तो जो भी नज़दीक नज़दीक में है सर वहाँ पर ये लोग सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट में बताया जा रहा है कंपनी इज मीटिंग 100% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट थ्रू द रीन्यूएबल एनर्जी सर। कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी की सर, वो रीन्यूएबल एनर्जी से ही जनरेट कर लेती है सर अपना, मतलब कोई पोल्यूशन नहीं करती कंपनी, वो बोले ठीक है। 37 यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है, इट हैज़ ए 37 यहाँ देख सकते हो मेगावाट कैपेसिटी फॉर सोलर पावर प्लांट सर, 37 है, ठीक है, 3 मेगावाट और बढ़ा के लगभग 40 कर लेंगे, जो मैंने अभी आपको दिखाया है सर, दिखाया ना सर वहाँ पर, यहाँ देखिए सर यहाँ पर अगर आप भूल गए तो मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिए 40 मेगावाट है कि नहीं सर, 37 से कर लेंगे तो 40 मेगावाट तक ये पहुँच जाएंगे। तो ये ही बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि सर यहाँ देख सकते हो कंजप्शन एंड द 25 मेगावाट इज सोल्ड इन द मार्केट, तो जो बच जाता है सर या फिर और ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको सर ये मार्केट में बेच पाएंगे। तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा इन्वेस्टर्स वाले पैटर्न में, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास सर आज तक 0 होता था हिस्सेदारी, पहली बार सर इन्होंने 4.43% हिस्सेदारी खरीदा है सर, 4.43% हिस्सेदारी खरीदा है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर प्रमोटर्स के पास पहले 73% हिस्सेदारी था, अब यहाँ पर लगभग देखेंगे तो 60% हो चुका है,
तो कभी कभी सर प्रमोटर्स यहाँ माल बेचकर अपना पैसा इकट्ठा करते हैं सर ऐसा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो मेरे हिसाब से कंपनी ठीक लग रहा है मुझे, कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रहा कंपनी के अंदर, मुझे सबसे अच्छा लग रहा है सर। मुझे सोलर में अगर आप देखोगे तो सोलर में जितने भी कंपनियां चल चुकी हैं वो ठीक है, ठीक है, मैं बुरा ही नहीं कर रहा हूँ उसके बारे में। लेकिन सर ये भी जिस रेट पे देखने को मिल रहा सर वो भी बहुत खतरनाक है। 216 रुपये में आपको देखने को मिला 216 में, हालांकि सर गिरावट ही है भागते बाजार में तो सर कोई भी आपको बता देगा, और हालांकि लगभग 300 रुपये या 400 रुपये से ये स्टॉक गिरा हुआ ही है, और 200 रुपये के बाजू में आपको देखने को मिला ये यहाँ पर। मैं हाँ देख सकते हो करंट मार्केट प्राइस बताया जा रहा 200, लेकिन सर यहाँ देख सकते हो जो हायर बताया जा रहा है सर वो लगभग 300 कितना तो 19 रुपीज़, मतलब 320 रुपये से गिर के लगभग सर 220 के बाजू में आ चुका है। इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन मुझे ठीक लग रहा है सर। ज्योग्राफिकल लोकेशन कहने का मतलब होता है ऐसा जगह फैक्ट्री लगाओ जहाँ पर सर आराम से आप अपना माल आजू बाजू के एरिया में बेच पाओगे सर। और जिस जगह पर कर्नाटका है सर, कर्नाटका क्या ही बोलूँ, मतलब कोई शब्द नहीं सर, इस तरीके से डेवलप हो रहा है वो जगह बहुत ज़्यादा। वहाँ के सर गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है, हालांकि सर कांग्रेस गवर्नमेंट है, बीजेपी का सरकार है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं वो बात है, लेकिन सर वहाँ की जो गवर्नमेंट है चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो उससे मतलब नहीं है, बहुत सपोर्टिव है सर कंपनियों के लिए सर बहुत सपोर्टिव ऐसा। और लगभग वो लोग सर मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादातर वो लोग कोई भी काम काज होता है तो वो लोग गवर्नमेंट तुरंत एक्शन लेती है कि भाई हाँ कंपनी को ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ प्रोवाइड करती है। कंपनी का बोरिंग देखेंगे तो सर लगभग 193 करोड़ का है सर। कंपनी अपने बोरिंग को किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल कर रही है, जैसे देखते हैं लोग बोलेंगे सर बोरिंग लेना तो ख़राब है, ऐसा नहीं है सर, बोरिंग लेना अच्छी बात होती है, ठीक है। रिजर्व अगर आप देखिएगा तो सर कंपनी के पास पहले नेगेटिव रिजर्व हुआ करता था, पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा। तो ये तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने खरीदा, मुझे थोड़ा थोड़ा ओके लगा, ऐसा नहीं है। तो ये देख सकते हो सर इन्होंने इस तरीके से पहाड़ी, ये पहाड़ी इलाका है सर, इस वजह से इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, आप लोगों ने ध्यान दिया देख लीजिए ये पहाड़ी इलाका, मैंने बोला ना सर वहाँ का लोकेशन बहुत टाइट है, एकदम बहुत टाइट है वहाँ का लोकेशन, देख लीजिए एकदम पूरा पहाड़ी इलाका है, अप एंड डाउन दिख रहा ना ये। तो इस तरीके से सर ये लोग पूरा जो है वहाँ पर चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आती है वहाँ पर। ये देख सकते हो ये सब आपको जो देखने को मिला, ये जो खाली लैंड होता है वहाँ पर ये लोग लगाते हैं सर इस तरीके से। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने खरीदा है उनको ठीक लगा, देखिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ खरीदने के लिए, थोड़ा मुझे लोकेशन इसका कंपनी का अच्छा लगा वो मैंने आपको बताया यहाँ पर, बाकी मर्ज़ी आपकी रहेगी सर कि आप क्या डिसीजन लेते हो यहाँ पर और नहीं लेते हो यहाँ पर करके, क्योंकि कंपनी ने अपने एक्सपेंशन के बारे में भी बताया, ये भी बहुत अच्छी बात है। देखते हैं यहाँ पर क्या आप देखने को मिलता है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रमोटर को एक्सपीरियंस है, बड़े लेवल पर ये लोग काम भी कर रहे हैं। इसके लिए मैं और दो वीडियो बनाऊंगा और पूरे क्लियर में और आपको बताने की कोशिश करूंगा सर, और दो वीडियो बनाकर। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर सर डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगेगा वो भी इंट्राडे में जो हर जगह लगता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं फ्री में सर।